ये जंगल राज से भी बुरा राज्य है, जहाँ जिस जहाँ पे देश के न सांसद सुरक्षित हैं, न देश के विधायक सुरक्षित हैं, बिहार के विधायक सुरक्षित हैं, और न वहाँ का जनता सुरक्षित है, न वहाँ का कार्यकर्ता सुरक्षित है। तो आप इसी से बताइए कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? उन लोगों पर सरेआम दिन में लाठी बरसाया जा रहा है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो मतलब अपने पूरा तानाशाही पे उतर रखी है। इन्होंने ना अभी तक अपने कहे हुए वादों का ही इनको स्मरण भी होगा कि नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है। ये अपने कहे हुए वादों पर अभी तक ना खरा उतरे हैं, और जो इनकी रवैया है, जितनी तानाशाही इनकी रवैया है, उस हमको नहीं लगता है कि उस आधार पर ये कहीं से भी उस अपने वादा और अपने हर चीज किए हुए पर ये लौटेंगे। ये जो आदमी का जान चला गया, जिस आदमी का जान चला गया, वो भी किसी का बाप था, वो भी किसी का बेटा था, किसी का पति था, तो क्या ये मिर्च पाउडर ज्यादा भारी पड़ा कि जिसका जान चला गया वो ज्यादा भारी पड़ा? पुलिस तो कह रही है कि किसी की जान हमारी लाठी से नहीं गई है, वो उनका कुछ दूसरा प्रॉब्लम था, कोई भी भारी चोट नहीं नजर आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया, अगर पुलिस इस तरह का बात कह रही है तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो पुलिस लाठी बरसा रही थी वो किन पर बरसा रही थी? रोड पर बरसा रही थी कि और कार्यकर्ता, वहां के नेता जो भी उस आक्रोश रैली में शामिल थे, किन पर बरसा रही थी पुलिस रैली? उनके परिवर्तन में एम्बुलेंस को रोक दिया जाता था, उनके प्रदर्शन में एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया जाता था। जिस आदमी जिसका फ्लाइट होता था, जिसका ट्रेन होता था, सब छोड़ दिया जाता था, लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। इनके प्रदर्शन में लोग खुलेआम घूम रहे थे, किसी तरह का कोई डर नहीं था कि कहीं आग लगी होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा मार्च आयोजित किए गए थे, उस मार्च के दौरान प्रशासन द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं पे लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद कई नेता हॉस्पिटल भी गए और एक नेता की मृत्यु भी हो जाती है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष शिवम सिंह। बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस प्रकार देख रहे हैं इस तमाम घटनाओं को? देखिए ये घटना को हम क्या पूरा समाज और पूरा बिहार देख रहा है। ये घटना एक पूरा एकदम जो सरकार नाकाम हो जाती है वो मतलब अपने पूरा तानाशाही पे उतर रखी है। इन्होंने ना अभी तक अपने कहे हुए वादों का ही इनको स्मरण भी होगा कि नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है। ये अपने कहे हुए वादों पर अभी तक ना खरा उतरे हैं, और जो इनकी रवैया है, जितनी तानाशाही इनकी रवैया है, उस हमको नहीं लगता है कि उस आधार पर ये कहीं से भी उस अपने वादा और अपने हर चीज किए हुए पर ये लौटेंगे। ये जंगल पार्ट टू भी नहीं कहिए इसको, मतलब उससे बुरा जो कह सकते हैं। जंगल राज से भी बुरा राज्य, जंगल राज से भी बुरा राज्य है, जहाँ जिस जहाँ पे देश के न सांसद सुरक्षित हैं, न देश के विधायक सुरक्षित हैं, बिहार के विधायक सुरक्षित हैं, और न वहाँ का जनता सुरक्षित है, न वहाँ का कार्यकर्ता सुरक्षित है। तो आप इसी से बताइए कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? उन लोगों पर सरेआम दिन में लाठी बरसाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तोड़िएगा तो लाठी नहीं बरसाए जाएंगे। तो हम आपसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा? क्या उन्होंने पत्थर चलाया? क्या मिर्च के पाउडर फेंके गए थे भैया? हम आपको बताते हैं, ये जो मिर्च का पाउडर अगर लेकर जाना होता तो फिर हमको लगता है कि ये एक व्यक्ति नहीं लेकर जाता, बहुत सारे व्यक्ति लेकर जाते हैं, पत्थर लेकर जाते हैं, सिर्फ मिर्च का पाउडर। ठीक है, आप कह रहे हैं वो कहां से फेंका गया, नहीं फेंका गया, हमको नहीं लगता, ये बहुत हास्यास्पद बात है। लोग अपने नाकामी को छिपाने के लिए ये कह रहे हैं कि मिर्च पाउडर फेंका गया, तो क्या आप मिर्च पाउडर फेंका गया तो हमको आप ये बताइए, तो जो आदमी का जान चला गया, जिस आदमी का जान चला गया, वो भी किसी का बाप था, वो भी किसी का बेटा था, किसी का पति था, तो क्या ये मिर्च पाउडर ज्यादा भारी पड़ा कि जिसका जान चला गया वो ज्यादा भारी पड़ा? पुलिस तो कह रही है कि किसी की जान हमारी लाठी से नहीं गई है, वो उनका कुछ दूसरा प्रॉब्लम था, कोई भी भारी चोट नहीं नजर आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया, अगर पुलिस इस तरह का बात कह रही है तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो पुलिस लाठी बरसा रही थी वो किन पर बरसा रही थी? रोड पर बरसा रही थी कि और कार्यकर्ता, वहां के नेता जो भी उस आक्रोश रैली में शामिल थे, किन पर बरसा रही थी पुलिस रैली? लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। उसमें देखिए जो भी वीडियो, बहुत सारा वीडियो आया है, बहुत सारे माननीय सांसद और माननीय विधायक लोग भी उसमें पीटते नजर आ रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से पीटते नजर आ रहे हैं। इवन बहुत सारे सांसद तो उसमें ये बोल रहे हैं, मैं मंत्री रहा हूँ बिहार का, सांसद बोल रहे हैं कि मैं सांसद हूँ, मुझे मत मारो, उसके बाद भी डंडा बरसाया जा रहा है। तो इसमें जब वो लोग नहीं सुरक्षित हैं इस सरकार में, तो हम आदमी कहाँ से सुरक्षित, हम आम आदमी कहाँ से सुरक्षित है? अगर सांसद है, अगर राज्य के पूर्व मंत्री है, तो उन्हें क्या सब कुछ करने की पूरी छूट दी गई है? तो क्या उनको पुलिस को डंडा मारने की छूट दी गई है क्या कानून में? पुलिस डंडा मार सकती है क्या कानून?
कानून में है क्या ऐसा कहीं लिखा? बीजेपी और एनडीए की सरकार रहती है तो विपक्ष के नेता जब जाते हैं तो उन पे डंडा चलता है, तब क्या कहेंगे? कोई डंडा नहीं चला आज तक, आप हमको बताइए कब डंडा? यादव जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके नेताओं कार्यकर्ताओं पे चला था, तो उनका विरोध प्रदर्शन, आरजेडी का विरोध प्रदर्शन पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जंगल राज के समय से लेकर टिल नाउ अभी इस डेट तक का, कि उनका प्रदर्शन और इनके प्रदर्शन में कितना का अंतर था ये भी तो देखिए। प्रदर्शन में क्या अंतर था? दोनों लोग सरकार के खिलाफ में गाड़ियां जल जाती थी, उनके परिवर्तन में एम्बुलेंस को रोक दिया जाता था, उनके प्रदर्शन में एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया जाता था, जिस आदमी जिसका फ्लाइट होता था, जिसका ट्रेन होता था, सब छोड़ दिया जाता था, लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। इनके प्रदर्शन में लोग खुलेआम घूम रहे थे, किसी तरह का कोई डर नहीं था कि कहीं आग लगी होगा, कहीं मारा पीटा जाएगा, कहीं इस तरह का बात नहीं था। इनके प्रदर्शन में ये था, क्या इनके प्रदर्शन में कोई बंदी था? नहीं था। इनके प्रदर्शन में सरकार को इस बात का डर था कि एक तो कोई बंदी आयोजित नहीं किया गया था और विधानसभा मार्च था, और विधानसभा मार्च के दौरान में तमाम गाड़ियां रोकी गई। नहीं नहीं, विधानसभा मार्च में तमाम गाड़ियां रोकी गई थी, उस रूट की गाड़ियां रोकी गई होंगी सर, न कि पूरे पटना की गाड़ियां रोक दी गई, न कि क्यों रोकी जाएगी, पटना को चक्का बंद कर दिया गया, न कि पूरे बिहार को चक्का बंद कर दिया गया, चक्का जाम था ही नहीं तो चक्का जाम। आपको बता रहे हैं इनके इनके रैली में आप जो फर्क पूछ रहे हैं हम उस पर आपको जवाब दे रहे हैं कि इनके रैली में, इनके प्रदर्शन में और इनके प्रदर्शन में क्या अंतर होता है? कितना सारा तो ट्रेन फूंक दिया जाता है सर, ये होता है इनके प्रदर्शन में, आप रिकॉर्ड उठाइए और एक भी चीज हमको बताइए, एक भी प्रदर्शन ऐसा बताइए जिसमें बीजेपी का या एनडीए का इस तरह का प्रदर्शन होता हो, नहीं होता है सर। ये तो बहुत शर्मनाक की बात है कि जो आदमी आज मरा, जो कार्यकर्ता आज मरा, ये उसका दुर्भाग्य था, और हम लोग उस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किए। हम लोग उस दिन को काला दिवस इस तरह से सेलिब्रेट किया कि सरकार के मुंह पर ऐसा तमाचा लगे कि सरकार आइंदा से इस तरह से करने से पहले 10 बार सोचे। ठीक, हमारा अगला सवाल पार्टी से रिलेटेड है। चिराग पासवान और पुष्पति कुमार पारस, नित्यानंद राय की कवायद है कि दोनों लोग एक साथ आ जाएं, क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, ये फिलहाल तो मतलब हमारे आला मान का निर्देश होगा कि उनको आना है नहीं आना है, उनका जो भी निर्देश होगा, हम लोग को ये बहुत अच्छे से हम लोग को पता है कि उनका जो भी निर्देश होगा वो बीजेपी के मत में होगा, बीजेपी उससे मजबूत हो, एनडीए उससे मजबूत हो, इस मत में होगा। मतलब आपके गठबंधन में चिराग पासवान के आने से कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है आप लोगों? हम लोगों को क्यों दिक्कत रहेगा, उनको बचाते उनको जेपी नड्डा जी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बीजेपी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका उनको लेटर गया है, हमारे मंत्री साहब को भी उनका लेटर आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उनका लेटर आया है, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। वो तो बीजेपी एनडीए वालों के जो ऊपर आलाकमान बैठे उन लोग का ये डिसीजन है। अगर आपका चिराग प्रेम छलकते रहता है, हाजीपुर लोकसभा से बात की जा रही है, चिराग पासवान फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, किसी को लड़ने के लिए हम रोक नहीं सकते हैं, पूरे देश एनडीए से, हम आपको बता रहे हैं, अगर वो लड़ते हैं तो ठीक है, उनका स्वागत है। एनडीए से उन्हें टिकट मिलेगा या पशुपति कुमार पारस को? देखिए, ये डिसीजन तो ऊपर होगा, लेकिन फिलहाल जैसा माहौल है उस हिसाब से देखते हुए ये सीट सिर्फ और सिर्फ हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी पशुपति कुमार पारस जी के पास ही रहने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार भी कैंडिडेट आपके मंत्री जी होंगे? बिल्कुल होंगे। चिराग जी का क्या होगा? अब क्या होगा नहीं होगा बता तो रहे हैं, वो एनडीए का जो डिसीजन होगा उसको देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता, इसमें हम तो डिसीजन नहीं ले सकते। वो तो कह रहे हैं कि हाजीपुर लड़ेंगे इस बार, हाजीपुर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, कह तो रहे हैं उनका स्वागत है। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या खुश होते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।